नमस्कार दोस्तों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार है, योगी कैबिनेट ने खत्म की 15 छुट्टियां। जाने अब कब कब हम उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं मिलेगी छुट्टियां। हाँ दोस्तों, योगी कैबिनेट ने बहुत समय पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि सार्वजनिक अवकाश जो बहुत सारे होते हैं उनको कम किया जाएगा, उनमें से कुछ को रद्द कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, 15 सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, और वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे देता हूँ। पहला है जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म दिवस जो 24 जनवरी को आता था। दूसरा है महर्षि कश्यप महाराज गुहा जयंती जो 5 अप्रैल को आती है। चेटी चंडी 29 मार्च 2017। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाजा का जो आता है 14 अप्रैल को। चंद्रशेखर जयंती 17 अप्रैल को। परशुराम जयंती 28 अप्रैल को। लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को। जमात उल विदा रमजान का अंतिम शुक्रवार 23 जून को। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर। महाराजा अग्रसेन जयंती 21 सितंबर। महर्षि वाल्मीकि जयंती 5 अक्टूबर। छठ पूजा पर्व 26 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल आचार्य नरेंद्र देव जयंती 31 अक्टूबर। ईद एवं मिलान दुनवी 2 दिसंबर और चौधरी चरण सिंह जयंती 23 दिसंबर। हाँ दोस्तों, ये सारे अवकाश यूपी गवर्नमेंट ने अब खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। शशिकला के भतीजे दिनाकरन गिरफ्तार हो गए हैं दोस्तों, और ईसी को इलेक्शन कमीशन अफसर को घूस देने का आरोप लगा है दोस्तों। AIADMK के पूर्व महासचिव TTV दिनाकरन को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। दिनाकरन पर पार्टी चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग अधिकारी को रिश्वत देने की पेशकश का आरोप है। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। DUIIT दिल्ली और AMU सहित दोस्तों कम से कम भी 10 जो भी इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल संस्थान है, उनकी वेबसाइट हैक हो गई है और उनके ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के अब लोग वहाँ के हैकर्स की ये इतनी हिम्मत हो रही है कि वो हमारी वेबसाइटों को हैक कर रहे हैं और उनके ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख रहे हैं। हम नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। MCD इलेक्शन रिजल्ट 2017। हाँ दोस्तों, आज नतीजे आ सकते हैं। आज MCD जो दिल्ली के अंदर चुनाव हुए थे उसके नतीजे आएंगे, इसलिए आज हमारे साथ एक चुनाव का विशेष बुलेटिन होगा दोस्तों, जिसमें हम आपको बताएंगे आज कौन जीता। आज दिल्ली में MCD चुनाव में किसने बाजी मारी। आज सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी वोटों की और धीरे धीरे रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। सुकमा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे नीतीश और तेजस्वी। हाँ दोस्तों, सुकमा के अंदर जो 25 शहीद मारे गए थे, 25 अपने देश के जो सपूत थे उनके ऊपर नक्सलवादियों ने हमला कर दिया था। जो 300 नक्सलवादी थे दोस्तों, उन्होंने एक साथ घेराबंदी करके 25 जवानों को जो वो उनको रिजर्व केंद्र रिजर्व पुलिस के बल के 25 जवान थे उनको मार दिया था दोस्तों। और लेकिन ये जो नेता है उनके मतलब अगर कोई जैसे कोई दलित छात्र मरता है या कोई अगर नक्सलवादी मरता है तो वहाँ पर तो दोस्तों जैसे नेताओं का जमावड़ा लग जाता है, लेकिन अगर हमारे सैनिक जब भी मरते हैं तो वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कोई नहीं जाता या कोई पूछता भी नहीं है कि 25 सैनिक मर गए तो हम एक एक मोमबत्ती लेके उन जवानों की जो शहीद हुए थे उनकी याद में हम मार्च निकाले, कैंडल मार्च निकाले। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे जवानों की खून की कीमत कुछ भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर आ रही है। हम युद्ध की आशंका के बीच दक्षिण कोरिया पहुंची US सबमरीन US मिशिगन। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया पहुंच गई है US की सबमरीन। ये युद्ध की आशंका पूरी बनी हुई है दोस्तों। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आगे युद्ध की संभावना हो सकती है, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली में चुनाव हुए तो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचेगी
हाँ दोस्तों, ये आज बस अब चुनाव आ गए तो नेता लोग अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है इनको इतनी सीटें मिलेगी, कोई को इतनी सीटें मिलेगी। और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं दोस्तों, एग्जिट पोल के अंदर भी बीजेपी को जीता हुआ 200 के समथिंग सीट उनकी बता रहे हैं। तो दोस्तों आज देख लेते हैं, आज 26 तारीख है, आज एमसीडी के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। आज देख लेते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। अब नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीन के इस प्रांत में सद्दाम और जिहाद जैसे नामों पर पाबंदी है। हाँ दोस्तों, चीन के अंदर, चीन के जो अशांत मुस्लिम बहु शिनजियांग प्रांत में बच्चों के सद्दाम और जिहाद जैसे दर्जनों इस्लामी नाम रखने पर पाबंदी लगा दी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, वो तो बहुत ही बढ़िया काम किया है चीन ने, ये तो लगा रहा। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपने ही एक्स बॉक्स जो रंजीत सिन्हा के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। हाँ दोस्तों, सीबीआई ने मंगलवार को अपने ही डायरेक्टर के खिलाफ, जो रंजीत सिन्हा डायरेक्टर है, उनके खिलाफ एफआईआर की दर्ज की है। जो पूर्व डायरेक्टर है सीबीआई के, रंजीत सिन्हा जी, उन पर कोयला घोटाले को जांच प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। हाँ दोस्तों, ये इल्ज़ाम पहले लगा था उनके ऊपर, लेकिन अब फाइनल हो चुका है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। मालेगांव ब्लास्ट मामला के अंदर जो साध्वी प्रज्ञा है, उनको सशर्त जमानत मिल गई है अब, लेकिन उनको अपना पासपोर्ट कोर्ट के अंदर जमा कराना होगा। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने पत्रकार से क्या कहा, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही ये देश बर्बाद हो रहा है। हाँ दोस्तों, अखिलेश ने पत्रकार से क्यों कहा ये शब्द, क्योंकि जो एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगा वो सपा को वोट करेगा। जनसत्ता ऑनलाइन के अंदर दोस्तों ये खबर अभी आ रही है, मैं बता रहा हूँ आपको उसके अंदर से। तो ये मतलब अखिलेश यादव की अब सरकार चली गई है दोस्तों, अब वो कुछ भी कह सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति पद के लिए आनंदीबेन होगी सर्वश्रेष्ठ, लेकिन अब ये शब्द जो राज्यसभा सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी के हैं, वो चाहते हैं कि आनंदीबेन राष्ट्रपति बने। अब दोस्तों देखते हैं, चुनाव आने वाले हैं, सबके कयास लग रहे हैं अलग अलग। मोदी के रथ को नहीं रोक सकती है, कौन नहीं रोक सकती है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, तृणमूल कांग्रेस है, वो मोदी के रथ को नहीं रोकेगी, ये अमित शाह जी कह रहे हैं। क्योंकि अभी वहां पर चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होंगे दोस्तों, अभी तो नहीं लेकिन बाद में होंगे, लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी के कुछ ज़्यादा ही खिलाफ है। वो चाहती कि वो ये नहीं चाहती कि बीजेपी का प्रभुत्व पश्चिम बंगाल में भी बढ़ जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। जो व्यवसाय से जुड़ी हुई खबरें हम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तेजी, ये है 5 बड़े कारण। हाँ दोस्तों, शेयर बाजारों में बहुत रिकॉर्ड तेजी चल रही है इस समय, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य ने किसानों को टैक्स के दायरे में लाने की कहा। हाँ दोस्तों, नीति आयोग के सदस्यों ने किसान को भी टैक्स के दायरे में लाने के लिए कहा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, अब जरा किसान के पास खाने के तो पैसे नहीं है, अगर वो टैक्स भी देगा तो कैसे काम चलेगा, आगे देखते हैं दोस्तों। ये खबर चल रही है, मैं आपको खबर चल रही है और इसका विश्लेषण कर रहा हूँ सिर्फ। एनर्जी एफिशियंट एयर कंडीशनर बेचेगी सरकार। हाँ दोस्तों, अब आम लोग भी एयर कंडीशनर खरीद सकेंगे। मतलब आम लोगों का सपना होता है कि यार एसी, एसी तो बड़े लोग ही खरीद सकते हैं जिसके पास पैसा होता है, लेकिन दोस्तों अब एसी आम लोग भी खरीद सकते हैं, क्योंकि लोगों को ईएमआई देकर चुका सकेंगी कीमत। हाँ दोस्तों, सरकार को अब हम जो केंद्र सरकार एलईडी बल्ब के बाद अब एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर एसी भी बेचेगी, साथ ही इन एयर कंडीशनर को आसान किस्तों में भी खरीदा जा सकता है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ता हूँ। 22 तक कराया पंजीकरण तो हो जाएगी तुअर, सरकार 7 दिन के भीतर करेगी भुगतान। हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि तुअर बेचने के लिए खरीदो केंद्रों पर 22 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की तुअर खरीदी जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर जिसके पास तुअर है वो 22 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा दे, ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। अब हम आपको मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें बता देते हैं। कैफ ने पूजा को आगर करने फातिमा से इन 10 क्रिकेटरों की मतलब दूसरे धर्मों में शादी की। हाँ दोस्तों, जो कई अपने देश में 10 क्रिकेटर हैं, इन्होंने अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म की लड़की से शादी की है।
दोस्तों नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बता दें कि ये तो मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आमिर खान अवार्ड समारोह में पहुँचे। नहीं चौंके दोस्तों आप, क्योंकि चौंक जाइए, आमिर खान किसी भी अवार्ड समारोह में, किसी भी समारोह में नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार वो आए। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं कि बाहुबली 2 की टिकट, इसमें हम मतलब सुल्तान देख लें, लोगों को ऐसे लग रहा है कि जो कि बाहुबली की टिकट बहुत महंगे हैं। इसकी टिकट में तो हम 4 बार सुल्तान देख लें। दोस्तों नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, मतलब बाहुबली बहुत महंगी टिकट है, इसलिए आप अभी मन जाए तो जाए। रिलीज होने वाली 28 तारीख को। रॉयल अंदाज में बॉयफ्रेंड संग शादी के बंधन में बंध गई है सोफिया हयात। दोस्तों हाँ दोस्तों, अपनी शादी, अब मैं थोड़ा विस्तार से बता दूँ, सोफिया और स्टानेस के अलावा शादी में आने वाले गेस्ट क्राउन भी पहनना सोफिया पिछले काफ़ी दिनों से अपनी शादी में जुड़ी अपडेट वीडियो के जरिए फॉलोअर्स के साथ शेयर कर रही है। हाँ दोस्तों, खेल कूद के बारे में कुछ खबरें बता देता हूँ। गंभीर ने विराट कोहली की पोल खोल दी है, बताया वो क्यों देते हैं इतनी गालियाँ। हाँ दोस्तों, विराट कोहली गाली देते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये गौतम गंभीर कह रहे हैं दोस्तों। अब आपको और चैंपियन ट्रॉफी जो अभी क्रिकेट में होने वाली है उसके बारे में बता देता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम घोषित करने की डेडलाइन निकली। बीसीसीआई ने अभी तक नहीं किया टीम का ऐलान। हाँ दोस्तों, जो डेडलाइन थी वो निकल गई है। अब चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाक ने भी अपनी टीम घोषित कर दी है दोस्तों। भारत को छोड़कर 7 देशों ने कर दिया टीम का ऐलान, और अपने भारत ने ऐलान नहीं किया तो भारत खेलेगी नहीं खेले। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, और हमारे साथ रही है खबरदार आज की खबर चैनल के साथ। हम आपको बताएंगे आज से जुड़ी हुई न्यू लेटेस्ट खबरें, जो आपको अपनी ये पता लगाएंगे कि आज क्या होने वाला है क्या नहीं। तो दोस्तों नमस्कार।